First blood. क्या गाइस यार, आपने ये सोचकर इस वीडियो के ऊपर क्लिक करा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग की यूएमपी एकदम ही गॉड लेवल की होने वाली है? सही बात है गाइस यार, इस समय फ्री फायर के 90% बंदे ऐसे जो कस्टम के अंदर जाते हैं और तुरंत ही यूएमपी गन परचेस करते हैं और सोचते हैं मैं सामने वाले बंदे को ओनली रेड नंबर मारूंगा, बट जैसे वो लोग पहला फायर करते हैं उससे पहले ही गाइस सामने वाला एनिमी उनको मार कर गिरा देता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। तो भाई लोग, अभी हमारे फ्री फायर के अंदर यूएमपी की एक ऐसी ट्रिक आई है जिसकी वजह से गाइस आप लोग केवल गाइस रेड नंबर मार सकते हो एंड जो सामने वाला एनिमी रहेगा वे गाइस 100% आपको हैकर बोलेगा। एंड ये टिप जो है गाइस यार बहुत कम लोगों को पता है एंड गाइस ये टिप्स मैं आप लोग को देने वाला हूँ, आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोग को ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे गाइस आप लोग ओनली रेड नंबर मार सकते हो यूएमपी गन से। तो गाइस ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज भाई लोग यार आज की वीडियो को आप लोग शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करिएगा। एंड भाई लोग, अगर आप लोग यार चैनल पे नए हो, पहली बार है हो, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाजू में नोटिफिकेशन आता है उसको भी यार ऑल पे सेट कर लीजिए हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। एंड भाई लोग, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो गाइस। इंस्टाग्राम का नेम है गाइस यूनिक एफएफ टिप्स एंड डीएम करने के साथ साथ गाइस आप लोग मुझे वहां पे फॉलो भी कर लेना प्लीज भाई लोग। तो चलो भाई लोग यार फाइनली वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग को जो टिप्स है आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई लोग देखो यार, यूएमपी से ओनली रेड मारने के लिए आपको दो स्टेप गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्हें गाइस आपको हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे। एंड जो गाइस बड़े बड़े लेजेंड्स प्लेयर हैं ओनली रेड नंबर मारते हैं यूएमपी से, वे लोग गाइस इसी टिप्स को फॉलो करते हैं एंड उसी टिप्स को फॉलो करने की वजह से हुए गाइस केवल ओनली रेड नंबर मारते हैं यूएमपी। तो गाइस पहला है गाइस हमारा कर्सर। आप लोग गाइस कर्सर का बहुत ही प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप लोग को अगर यूएमपी से रेड नंबर मारना है, ये गाइस नई ट्रिक है जिससे गाइस सभी लोग अपना कर्सर का प्रयोग करके यूएमपी से ओनली रेड नंबर मार रहे हैं। तो भाई देखो आपको क्या करना है, और गाइस आप लोग अपने कर्सर को गाइस राइट साइड में खींचो तो आपका जो फायर बटन है वे गाइस हमेशा लेफ्ट साइड में जाना चाहिए। एंड भाई लोग, अगर आप लोग अपने फायर बटन को लेफ्ट साइड में कर, जो आप लोग कर्सर वे हमेशा राइट साइड में जाना चाहिए, ठीक है? ये गाइस हमेशा मतलब अपना अपोजिट चलेगा, मतलब गाइस अगर लेफ्ट में तो भाई राइट में, राइट में तो लेफ्ट में, ठीक है? आप लोग मेरा भी देख सकते हो गाइस स्क्रीन में, मैं हमेशा गाइस अपोजिट कर रहा हूं। एंड गाइस अगर आप लोग स्ट्रेट ड्रैग करते हो ना तो भाई आपको कर्सर भी गाइस स्ट्रेट ड्रैग करना है, बट थोड़ा सा लेफ्ट या फिर थोड़ा सा राइट, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइस आप लोग उसे मैनेज कर लेना, ठीक है? ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड गाइस इसी दोनों टिप्स को आपको बहुत ही फॉलो करना पड़ेगा। एंड भाई जो हमारी तीसरी एंड चौथी टिप्स है वे गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस्ट फायर बटन साइज। गाइस मैं आप लोग को दो फायर बटन का साइज बताने वाला हूं जिससे गाइस आप लोग ओनली रेड नंबर मार सकते हो, और गाइस आप लोग उस फायर बटन के साइज को अपने फ्री फायर के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है? तो भाई आप लोग अपने इसके ऊपर देख सकते हो भाई मैं कितना ओनली रेड नंबर मार रहा हूं एमपी से। एंड भाई ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आप लोग को लाइव करके दिखा रहा हूं, भाई थोड़ा सा बॉडी लग रहा है बट गाइस तुरंत ही रेड शॉट कनेक्ट हो जा रहा है। तो गाइस ये टिप्स आप लोग जरूर फॉलो करना अपोजिट वाली, ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड भाई अब आप लोग कर्सर का यूज करना भी स्टार्ट कर दो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो भाई लोग यार इस वीडियो की जो बोनस टिप्स है वे गाइस आप लोग यहां पर देख लो। अगर आप लोग की यूएमपी गाइस लिटरली बहुत ज्यादा रिकॉइल करती है तो उसको रिकॉइल को कंट्रोल करने के लिए गाइस हमारे फ्री फायर के अंदर एक कैरेक्टर है एंड गाइस उस कैरेक्टर का नाम है गाइस यहां पर दशा। अभी गाइस आप लोग इसकी कैरेक्टर इसके लिए यहां पर देख लो, ये गाइस सबसे नीचे, और आप लोग देखो वहां पे गाइस आप लोग का गाइस ये जो रिड्यूस रेट ऑफ फायर रिकॉइल, गाइस आपका रिकॉइल जो है वे गाइस 10% तक कम कर देगी। एंड भाई इसी कैरेक्टर का भी गाइस बहुत बड़े बड़े प्लेयर यूज कर रहे हैं, लिटरली गाइस मैं भी खुद यूज करता हूं। अरे आपने प्रीव्यू वीडियो देखा हो तो उसके अंदर आप लोगों को पता चला होगा गाइस दशा कैरेक्टर गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस यहां पर मैं आप लोग कैरेक्टर का लुक भी दिखाता हूं, इसका हुलिया कैसा दिखता है आप लोगों को देखने में। तो भाई यहां पर गाइस आप लोग सिंपली गाइस स्टोर में जाना एंड आपको ये दिख जाएगी, आपने परचेस कर रखा होगा। एंड भाई अभी तो ये गोल्ड में मिल रही है तो जाके आप लोग खरीद लो। इसका नाम है गाइस दशा एंड 7 लेवल अपग्रेड करके आप लोग इसको यूज करो, आप लोग की एमपी बहुत ही कम रिक्वायर करेगी एंड आप लोग केवल गाइस ओनली रेड नंबर हेडशॉट कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो भाई लोग यार अब मैं आप लोग को इस वीडियो की एंड यूएमपी से ओनली रेड नंबर मारने की लास्ट एंड गाइस सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं जो आप लोग के लिए गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो गाइस देखो सबसे पहला गाइस हमारी सेंसिटिविटी सेटिंग। अरे गाइस आप लोगों ने सेंसिटिविटी सेटिंग अपनी खराब कर रखी तो उससे भी गाइस आपका यूएमपी से रेड नंबर नहीं लगता। एंड अगर आपका फायर बटन का साइज बहुत बड़ा या फिर बहुत ज्यादा छोटा है तो उससे भी गाइस आप लोग का यूएमपी से ओनली रेड नहीं लगता है। तो भाई लोग यहां पर पहले आप लोग मेरी सेंसिटिविटी सेटिंग देखो। जर्नल गाइस आप लोग को हमेशा 96 रखना है एंड जो आप लोग का 2x 4 स्कोप एंड रेड डॉट एंड गाइस जो भी है उसको गाइस आप हमेशा 100 रखना। एंड यहां पर देख रहे हो अभी मेरा जो फायर बटन का साइज है गाइस 50 रख रखा है बट गाइस यहां पर मैं आप लोग को 40 पे करके दिखाऊंगा। मैंने आप लोग को शुरू में बोला था मैं दो फायर बटन पे आप लोग को प्रैक्टिस करके दिखाने वाला हूं। तो भाई 40 पे देखो वैसे ही ओनली रेड नंबर लग रहा है एंड यहां पे गाइस कर्सर का प्रयोग कर रहा हूं। तो ऐसे गाइस आप भी यहां पर गाइस 40 के साथ भी कर्सर का प्रयोग कर सकते हो बट गाइस मैं आप लोग को 50 की भी साइज दिखाऊंगा एंड उसको भी ट्राई करके दिखाने वाला हूं। एंड जो कर्सर का साइज है वे भी गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा ठीक है। तो भाई लोग आप लोग देखते रहो पहले गाइस आप लोग 40 के साथ देखो भाई कितना ज्यादा रेड नंबर लग रहा है अगर आप लोग यहां पर अपने फायर बटन का साइज 40 रखते हो तब भी ठीक है ओनली रेड नंबर करेक्ट हो रहा है। एंड गाइस आप लोग भी इससे गाइस ओनली रेड नंबर ही मार सकते हो। एंड गाइस कुछ नहीं करना सिंपली गाइस आपने जो सेंसिटिविटी सेटिंग मैंने बताई है वही सेंसिटिविटी सेटिंग आप लोग को यूज करना है। तो चलो गाइस अब मैं आप लोग को 50 वाली फायर बटन का साइज करता हूं एंड उस पे भी आप लोग को ओनली रेड नंबर मार के दिखाता हूं ठीक है। तो भाई यहां पर हम लोग आ चुके हैं एंड गाइस अब हम लोग करेंगे इसको 50 एंड कर्सर का साइज हमारा 10 और गाइस दोनों हमेशा आप लोग को एक दूसरे के सामने ही रखना। अब गाइस देखो हमारा 50 पे भी गाइस वैसे ही ओनली रेड नंबर कनेक्ट हो रहा है। तो गाइस आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई आपको जो जो टिप्स बताए उन्हीं टिप्स को आप यहां पर फॉलो करना अपोजिट डायरेक्शन आप लोग को फॉलो करना है। एंड गाइस सेंसिटिविटी सेटिंग एंड फायर बटन और कैरेक्टर स्किल मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया है। तो गाइस इसी से आप लोग का ओनली रेड नंबर कनेक्ट हो रहा है स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आप लोग को हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइस अगर आपको स्क्रीन पे दो वीडियो दिख रहे होंगे अगर दोनों में से कोई आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उस पर क्लिक करके वॉच कर लो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो बस यार आज के इतना ही मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए गाइस यार बाय बाय एंड गाइस टेक केयर। तुमसे मिला कितना बेचैन होके तुमसे मिला तुमको क्या थी खबर था मैं कितना